हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा जो है काठमांडू में ख़त्म होता है सफ़र। मैं आज निकल रही हूँ पोखरा के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी नया बस स्टैंड मोड़। यहाँ पे कहते हैं नया बस स्टैंड कहते हैं यहाँ पे। तो मैं थामेल में हूँ, थामेल से मैं लूँगी बाइक लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी न्यू बस स्टैंड, वहाँ से मैं पोखरा के लिए बस लूँगी। पोखरा के लिए बस लेने के बाद मैं देखती हूँ कितने बजे तक पहुँचती हूँ, वहाँ पे जाके पता करेंगे कि कितने बजे तक पहुँचाते हैं, तो सारा डिटेल मैं प्रोवाइड करूँगी। तो अभी मैं चेकआउट कर रही हूँ, तो थोड़ा इमोशनल हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कहीं रहती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मतलब जगह छोड़ने से। तो मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, जा रही हूँ मैं पोखरा। पोखरा में देखते हैं, पोखरा भी दिखाते हैं आप लोगों को कैसा होता है। बाकी मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ, हॉस्टल में दिखाऊंगी आपको, उसके बाद ऑनर से भी मैं बात करती हूँ, आपको मैं मिलाती हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज पोखरा। पोखरा के लिए बस लेंगे, उसके बाद पोखरा चलते हैं, पोखरा भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं फिर। तो चेकआउट कर रहे हैं, चलो चलते हैं फिर। ये रहा बेड, ये मास्क मेरा रह गया। मास्क कुछ छूटा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा है। बाकी चलते हैं। कीज को लॉक तो नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ के। लाइट भी ऑफ कर देते हैं इसका, खोलते हैं इसको। ठीक है, चलो चलते हैं। एक बार दिखा देती हूँ मैं बाहर से, बाय बाय रूम। ये रहा ऊपर का है, थर्ड फ्लोर पे थी मैं। ये रहा स्टेयर्स। ये रहा, आप लोग देखो, बाहर से दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे मैं रह रही थी इस बिल्डिंग में ऊपर में। बाकी जो यहाँ पे है वहाँ पे है ऑनर, तो ऑनर से मिलते हैं जाके। चलो चलते हैं। ये कबूतर जा। गाइस, तो ये था मेरा होम स्टे। ऑनर था नहीं, तो ऑनर से मिल नहीं पाई मैं। ऑनर नहीं था, देख लो सकते हो, खाली है अभी पूरा। तो ये मेरा होम स्टे था। ये है इधर का गली। थोड़ा बहुत मैं थामिल का जो मार्केट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जाते जाते। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे पहले। गाइस, तो मैं नया बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ। मैंने बाइक लिया था। बाइक मुझे 18 रुपीज़ का पड़ा, तो मैंने उसे 20 का नोट दे दिया। मुझे यहाँ तक उसने छोड़ दिया। मैं आ चुकी हूँ। ये आपको पूरा मॉल टाइप में लगेगा, ये जो नया बस स्टैंड है काठमांडू का। मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे कैसा एकदम बहुत सुंदर सा है बस स्टैंड। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखो आप लोग देख सकते हो। गाइस, ये बहुत सारी बसेस लगी हुई है। पता करते हैं कि कौन सी बसेस जाएगी, वो पता करते हैं पहले। चलिए पहले पूछते हैं। गाइस, मुझे बस मिल गई है पोखरा के लिए। ये 5-5.5 घंटे में बताया मुझे कि 5-5.5 घंटे में ये मुझे वहाँ पे पोखरा छोड़ेगी। और जो प्राइस टिकट का है वो 700 नेपाली रुपीज़ में है। तो सही है, चलते हैं पोखरा के लिए। अभी तो खाली है सीट, देखते हैं, है ना। गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं रात में भी जा सकती थी पोखरा, लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैंने सुना था कि रास्ते बहुत एडवेंचर है, तो वो मुझे देखते हुए जाना था। तो इसलिए मैंने दिन का मैंने किया आराम से। मैं 8-9 बजे उठी, सो के, उसके बाद मैंने आराम से प्लान किया। वो न्यू बस स्टैंड से हमेशा खुलते रहती है बसेस, तो आप न्यू बस स्टैंड आ जाइएगा। जैसे काठमांडू में, तो न्यू बस स्टैंड आ जाइएगा किसी से भी, बस से या फिर कैब लेके या फिर मतलब बाइक लेके। आने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगी वो 700 से 800 रुपये तक में आपको यह टिकट मिल जाएगी यहाँ पे पोखरा के लिए। तो मैंने ले लिया है अभी सारा चीज़, टिकट ले लिया है मैंने सब कुछ। उसके बाद अभी मैं बैठ गई हूँ, अब मैं चलते हैं पोखरा। पोखरा में रास्ते में मैं दिखाती हूँ, व्यूज़ दिखाती हूँ आपको, कैसा क्या होता है, कैसा जर्नी होता है, सारा कुछ मैं डिटेल आपको दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं पोखरा। अगर पेट्रोल के लिए यहाँ पर रुक गया, डीजल लेने के लिए बस। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ
गाइस यहां पे पेट्रोल के लिए गाइस यहां पे पेट्रोल के लिए रुक गया है डीजल लेने के लिए। बस अब चलने को है, चलते हैं, देखते हैं, आपको रास्ते दिखाते हैं आगे जाने। अभी तो काठमांडू से थोड़ा बहुत निकला है, अभी पूरा निकला नहीं काठमांडू से, दिखाते हैं आपको। गाइस तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक छोटे से जगह में रोक दिया है बस खाना खाने के लिए। करीबन 5 घंटे की जर्नी हो चुकी है। ऐसे तो मुझे बताया था 5 घंटे में पहुँच जाएंगे, बट अभी तक पहुँचे नहीं हैं। 5 घंटे के बाद कहीं पे रोका एक जगह में खाना खाने के लिए। तो चलते हैं, पूछते हैं खाना क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता है। बाकी मैं आपको बस दिखा देती हूँ कैसा है। बस ये रहा बस, ये बस में ये है बस जिससे आए हैं, आपको बस दिखाते हैं सामने से। ये रहा गाइस बस, ये बस से हम लोग जा रहे हैं। गाइस तो मैंने ये लिया है, खीर जैसा है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो चना है, ये सब्जी है, ये लिया है। ये मुझे मिला है 150 नेपाली रुपए का, महंगा है बट ले लिया है, देखते हैं खाके कैसा लगता है। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ पोखरा, रात में अभी उतारा है मुझे। मैं देखती हूँ यहाँ से कुछ मिलता है या नहीं मिलता, रात में तो कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब देखती हूँ मैं आगे कुछ मिलता है या नहीं होटल के लिए मुझे। रात में मैं होटल जाके अच्छे से बात करती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ मैं अभी गाइज, तो मैं कैब मैंने ले लिया है, कैब मुझे वहाँ तक छोड़ेगा। लाइटिंग देख रहे हो, ब्लू ब्लू लाइट चल रहा है, तो मैंने बैठ लिया यहाँ पे। कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलता है यहाँ पे, प्राइवेट जो होते हैं कैब वो चलते हैं, तो आपको वो लेना पड़ेगा यहाँ से। बाकी जो है मैं हॉस्टल जाके बात करती हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी आवाज़ भी नहीं आ रही है, वीडियो भी रिकॉर्ड सही से नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं, तब तक मैं आपको पोखरा दिखाती हूँ। पोखरा एक छोटा सा शहर है, सुंदर सा, दिन में सुंदर दिखेगा, अभी तो कुछ भी लाइटिंग उतना है नहीं, तो उतना दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ तब तक, जो भी दिख जाए। इधर मुस्तांग है। अच्छा इधर मुस्तांग है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो स्नोफॉल हो रहा है ना वहाँ पे। बर्फ जम रहा है। हाँ बर्फ जम रहा है वहाँ पे। अभी इधर से लेफ्ट साइड। हेलो गाइज, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने हॉस्टल में अभी जस्ट। आपको मैं दिखा दे होटल का रूम का रूम टूर करवाती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गाइज ये पोखरा में ना बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप रात को आते हो तो इस सब चीज़ से बच के आप रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। मैंने कैब लिया, जो मारुति 800 जो नहीं होती पुराने मॉडल वाली, वो थी, वो लिया मैंने। वो मुझे पहले बताया 350 रुपये आपके लगेंगे, फेवा लेक के पास है मेरा जो हॉस्टल है, तो उसने बोला 350 लगेंगे। तो मैंने बोला चलो ओके, नहीं उसने बोला 400 लगेंगे, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगी, 300 दूंगी। तो फिर बोला 330 दे देना, तो मैंने बोला चलो ठीक है, 330 नेपाली रुपीज़ में मैंने डन कर लिया। फिर आया, फिर बोलते नहीं कुछ दूर तो दूर है, आपको 400 ही देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला 400 में नहीं दूंगी मैं, 330 में बात हुई है वही दूंगी, नहीं तो मुझे आप छोड़ दो यहीं पे उतार दो, मैंने ये बोला। तो फिर बोलता चलो चलो कोई बात नहीं बैठो, फिर मुझे घुमा के ले गया, बोलता एड्रेस नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला रुको मैं ऑनर को कॉल करती, फिर मैंने जो प्रॉपर्टी का ऑनर था मेरा हॉस्टल का उसको कॉल किया। तो उसको कॉल करके डायरेक्ट मैंने ड्राइवर को फ़ोन पकड़ा दिया कि लो बात करो, क्योंकि वही समझा एड्रेस समझ सकता था। तो उसने बात किया, बात करने के बाद बोला चलो ठीक है। फिर उसने मुझे फिर घुमा घुमा के फिर मुझे छोड़ा। छोड़ने के बाद मेरे पास मैंने काठमांडू में 4000 रुपीज़ निकाले थे, तो मेरे पास 1000 के नोट थे, तो मैंने 1000 दिया, 400 काट के दे दो भाई। मैंने उसने 400 मैंने बोल दिया चल यार इतना घूमा है तो दे देते हैं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने दिया 1000 रुपीज़ की, लो मुझे दे दो। फिर तो बोलते एक भी चेंज नहीं है मेरे पास, तो फिर आप वहाँ से कुछ खरीद के दे, मतलब ले लो ना, चेंज करवा लो ना, दुकान था पास में। तो मैं गई, तो उसने बोला, दुकान वाले ने लेडी थी, तो उसने बोला कि आप कुछ ले लो मैं दे दूँगी। तो फिर मैंने बोला कि मैं ले लूँगी, आप मैंने पहले दे दो मैं उसको दे देती हूँ। तो उसने मुझे 500 के नोट चेंज करके दिए। फिर 500 का नोट मैं जब देने गई ड्राइवर को, वो भी बोलते मेरे 500 का भी चेंज नहीं है, 100 भी नहीं है मेरे पास।
तो मैंने बोला अजीब हाल है भाई। तो बोलता है मुझे क्या कि आप मुझे इंडियन रुपीज़ दे दो ना 400, ऐसे बोलता है मुझे भाई। इन लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब कोई कोई लोग तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कोई कोई बहुत लिटरली बहुत ख़राब होते हैं। उसने बोला मुझे 400 इंडियन रुपीज़ दे दो। तो मैंने बोला क्यों दे दूँ भाई 400 इंडियन रुपीज़, जब तुम्हारी करेंसी में जब मैं 400 दे रही हूँ तो मैं क्यों दे दूँ। तो फिर मैं दूसरी दुकान में गई, उसके दुकान में फिर एक मैंने चॉकलेट लिया, फिर उसने मुझे चेंज करके दिया। तो मैंने उसको 400 के 100-100 के नोट दिए भाई। तो इस तरह से स्कैम हो सकता है, आप लोगों को बोला जा सकता है कि आप मुझे इंडियन रुपीज़ दे दो। तो आप लोग ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ तो आपको बोल देगा आप इंडियन है तो, ठीक है ना। इसलिए निश्चिंत घूमिए, और जो भी आपको अगर लगता है कि थोड़ा बहुत स्कैम हो रहा है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा रूम टूर दिखा देती हूँ, ओके। तो चलिए रूम टूर देखते हैं आपका। ये रहा मेरा बेड, ये बेड दिया है उसने, बेड है, ये मिरर। उसके बाद मैं दिखाती हूँ वॉशरूम। ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी सही है। बारिश हुई है यहाँ पे पोखरा में, मैं सुबह दिखाऊंगी व्यू, क्योंकि यहाँ से फे वाले एकदम पास है, आपको रात में कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं सुबह दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। भाई मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आपको तो बस वाला आपको अगर आप बस लेते हो ना तो बस आप नॉन स्टॉप बस लेना। ये जो लोकल बस जो होती है ना कि कहीं रोक रोक के चढ़ाती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। ऐसे 5 घंटे मुझे बोल के बैठाया और मुझे 12 घंटे में पहुँचाया उसने पोखरा। तो 12 घंटे लग गए मुझे, मैं बैठे बैठे दिमाग खराब, मुझे गुस्सा आ रहा था यार, मैं क्या बताऊँ। मैंने किसी तरह मैं पहुँच गई हूँ अभी। अब चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं खाने का क्या होता है। खाना मैं देखती हूँ आसपास, अगर मिलता है तो खाती हूँ, नहीं तो मेरे पास है कुछ चॉकलेट्स वगैरह, वही खा के मैं सो जाऊंगी, सुबह अच्छे से खाना खाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए। इसी तरह बने रहिएगा मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो नाम होगा यहीं कहीं पे आ रहा होगा, तो आप जो है फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट्स आपको उससे मतलब वीडियो आने से पहले मिलती है। तो चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। गुड बाय बाय बाय।